ये साधक बहन रक्षाबंधन के दिन अपने घर को ताला मार कर घर पे पूजा पाठ बापूजी की पूजा आरती करके नैवेद्य चढ़ा के फल चढ़ा के रक्षाबंधन के दिन कहीं जाना था, घर को ताला मार के गई। वापस आई तो घर का ताला टूटा हुआ था, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। उसको हुआ कि कीमती सोने चांदी के आभूषण, इसके बेटे की एक महीने की पगार 1 करोड़ है, फॉरेन में है। तो इतना सारा कीमती सामान, रुपए पैसे ज्वेलरी, सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है कि एक क्षण तो हुआ उसको कि आज तो चोर घर साफ करके गए होंगे। लेकिन उसने देखा कि चोर ने न नकदी को हाथ लगाया, न रुपए पैसों को हाथ लगाया, न गहने गांठों को हाथ लगाया, न सोना चांदी को हाथ लगाया। उसको हुआ कि हाउ कैन बी, चोर आया था चोरी करने, ताला तोड़ा है और बिना चोरी किए चला गया, क्या लेके गया। बारीकी से उसने देखा तो उसने उसके घर के हर कमरे में बापूजी की तस्वीरें लगी हुई है। अब जैसे ही उसके घर में एंट्री करोगे तो सामने ही बापूजी की बड़ी तस्वीर लगी है। हम जाके आए उसके वहाँ, तो बापूजी के श्री चित्र के आगे इसने जो फल आदि प्रसादी रखी थी वो चोर खा गया था, जयराम जी की। और बापू जी की तस्वीर को प्रणाम किया होगा तभी तो मन बदला होगा। वो प्रसादी खा गया बापू जी की तस्वीर को प्रणाम करके, और जाते समय उस चोर ने ताला तो तोड़ दिया, बेचारा नया ताला कहाँ से लगाएंगे, तो बाहर से दरवाजा बंद करके गया तो दूसरा कोई न घुसे। यश दर्शन मात्रे न चोर का हृदय भी परिवर्तित हो गया। बापूजी की तस्वीर लोगों की तकदीर बदल देती है। इसलिए भक्त लोग आते हैं, आकर गुरुद्वार पर गुरु का हो गया।